हेलो सर, आप यहाँ पे आए हैं शाहरुख खान के बंगले के सामने। आपको क्या लगता है, शाहरुख खान आएंगे? मुझे तो नहीं लगता, मैं यहाँ पर वो तशरीफ लाएंगे। शाहरुख खान को देखने के लिए खड़े हैं। क्यों, शाहरुख खान आपके रिश्तेदार हैं? कोई भी नहीं लगते, सिर्फ फिल्में में देखते हैं, सोचा हकीकत में देख ले। अच्छा, तो आप मतलब उनके फैन हैं? हाँ, फैन है। किस टाइप के फैन है? गौरव चन्ना? ये गौरव चन्ना कौन है, मैं तो चिंता नहीं है। यार तुम फैन है और गौरव चन्ना को नहीं जानते? नहीं जानता हूँ भाई। फैन पिक्चर देखे? फैन तो अभी लगी है, देखा नहीं हूँ। देखा नहीं है? अच्छा, शाहरुख खान अगर यहाँ पे आ गए, सपोज सपोज वो डोर अचानक से खुला और वो आ गए, वो आए, तुमको देखे, तुमसे मिले, तो तुम क्या बोलेंगे? उनसे एक ऑटोग्राफ ले लूँगा। बस 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 यस बस टैक्सी। ठीक है सर, आप यहाँ पे क्या के लिए ठहरे? देखने के लिए खड़े थे। क्या घर? हाँ, आए कलकत्ते से आए देखने के लिए शाहरुख खान। हाँ, शाहरुख खान आपको लगता है इधर आएंगे? नहीं, इधर क्या, ऐसे देख ले रहे। अच्छा, बस देख रहे, दिल को तसल्ली? हाँ, दिल को तसल्ली दे रहे, आएंगे तो फोटोग्राफ। क्यों, आपके रिश्तेदार है वो? रिश्तेदार बना लेंगे, है नहीं है। सर आपको मतलब शाहरुख खान की क्या खास बात लगती? बस एक्टर, फेमस एक्टर अपने इंडिया का, अपने नाम रोशन कर रहा है इंडिया का। हम लोग को नागपुर से देखने हैं उनको। नागपुर से आए हो आप? अगर शाहरुख खान अचानक यहाँ पर आ गए तो आप क्या करें? बस ऑटो फोटोग्राफ लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, बस और क्या। आपका नाम? जनक भाई। शाहरुख को देखने के लिए। शाहरुख खान अगर यहाँ पे अचानक आ गए तो आप क्या करें? लेंगे, डिनर करने है उसके साथ। किसका लेंगे? बनता है शाहरुख के साथ। बिल्कुल, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। व्हाट विल यू डू इफ शाहरुख खान सडनली कम्स हियर एंड ओके, सो आई विल वॉक अप टू हिम एंड टेल हिम दैट यू आर अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। आई वॉच द वीडियो ऑफ हिज ऑन यूट्यूब where he was talking about his inspiration, his struggles in life, how he became an orphan and how he came up in life through hard work and his so I feel like he's a good guy from the inside, so he has a lot of good positive energy which he passes on to others. Like you have come from? I've come from Kerala. Okay, all the way just to see Shahrukh? No, I've come to see Mumbai. I thought I couldn't miss coming to Shahrukh Khan's place. Your favorite movie? Of his? Dil to Pagal Hai. Yeah. Any dialogues? Your favorite one? I'm not too good with Hindi, so... No, it's okay. You can just try it out. I don't know. I'm really not... It's okay. It's okay. Nice to meet you, sir. शाहरुख खान जी से गुजारिश और इल्तिजा करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको नेमत अता करी है, जो नाम अता किया, उससे वो अपनी कौम को फैज़ पहुँचाएँ और वो फैज़ पहुँचाएँ कि इस कौम के अंदर इल्म आए। जो आज मुस्लिम कौम दहशतगर्दी की तरफ जा रही है, टेररिज्म की तरफ जा रही है, तो वो अपनी अदाकारी से, अपने नाम से इस उम्मत, इस लोगों के अंदर, मुसलमानों के अंदर इल्म पैदा करने का जज्बे को पैदा करें। अच्छा सर, आप शाहरुख खान की क्या लगते हैं? लगता तो कुछ नहीं, मैं तो मुंबई अपने बिजनेस से आया था, बेटे को मैंने सोचा उनका घर ही दिखा दूं। अच्छा, आपका बेटा फैन है? मैं भी खान हूं एक्चुअली, मैं मलियाबाद का रहने वाला हूं, अब्दुल हमीद खान, जहां का आम पूरी दुनिया में मशहूर है, और लखनऊ एक ज़िला पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, वहां की उर्दू ज़ुबान। आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, पसंद फरमाते हैं। तो किसी ज़माने में बहुत देखा करता था। तो किस टाइप के फ़ैन हैं, गौरव चन्ना या? नहीं यार, उस तरीके का फ़ैन नहीं हूँ, वो हमारे भाई हैं, इसलिए मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, और बस उनसे गुजारिश हमारी यही है कि वो अपनी अदाकारी के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए, जो उनकी शोहरत है, जो नाम है, उसका कुछ इस उम्मत, आका की उम्मत के लोगों को फैज़ पहुंचा दें, तो फरिश्ते भी जो हैं उनका वेलकम और स्वागत करें। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। फेवरेट डायलॉग? डायलॉग कब, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। ओह, क्या बात है। अच्छा, योर फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग गेरुआ। गेरुआ, ओके, फाइन। विल यू सिंग? लाइंस। धूप से निकल के, छाव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। सुपर्ब। शाहरुख सर, अगली मूवी में साइन कर लो।